हाँ तो भैया अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो यार ये व्लॉग अपडेट व्लॉग होगा क्योंकि लास्ट एक से डेढ़ महीने से मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की। तो दिस व्लॉग इज़ अबाउट लास्ट 30 डेज इन माई लाइफ, जो कि बहुत ज़्यादा मेमोरेबल भी गुजरे, इन्जॉयमेंट में भी गुजरे और टेंशन में भी थोड़े बहुत गुजरे। तो ये जो 30 डेज हैं वो स्टार्ट होते हैं मेरे टाइम टेबल के आने के बाद से। हाँ तो यार मैं कॉन्टैक्ट देता हूँ, असल में 9 मैट्रिक कर रहा हूँ सिंध बोर्ड से ना। तो अभी लास्ट ईयर मैंने 9th के एग्ज़ाम्स दिए थे और अब मैं मैट्रिक के एग्ज़ाम्स दे रहा हूँ ना। तो 9th में ऐसा गैप के साथ मेरे पेपर भी होते। अब आई वाज एक्सपेक्टिंग के मैट्रिक क्लास में गैप के साथ ही पेपर होंगे, तो बस मैंने टाइम टेबल देखा और टाइम टेबल के अंदर 7 पेपर्स 6 दिन के अंदर इन लोगों ने वाइंड अप कर दिया। मतलब एक हफ्ते में 6 दिन में बिना गैप के इन्होंने 7 पेपर्स ले लिए टाइम टेबल के हिसाब से। तो बस फिर लेकिन फिर वो टाइम टेबल अपग्रेड हो गया और नेक्स्ट डे बिना गैप के पेपर्स ही थे, लेकिन 7 पेपर 7 दिन में थे। हाँ तो यार बस फिर मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था कंप्यूटर का ना, तो मैंने सोचा ना कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड कर लूँगा पेपर्स की ना, ताकि फिर मैं एक व्लॉग बना सकूँ जो इस वक्त आप लोग देख भी रहे हो। तो अब फर्स्ट एग्ज़ाम था, टेंशन थोड़ी ज़्यादा थी, इसीलिए हम लोग थोड़ी जल्दी निकल गए थे सेंटर जहाँ मेरा सेंटर लगा था उधर के लिए, ताकि क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट भी देखनी थी कि कहाँ मैं बैठा हूँ, क्योंकि फर्स्ट एग्जाम था इसलिए हम लोग जल्दी निकल गए थे। A1 फर्स्ट एग्जाम पेपर कंप्यूटर बस निकल गए। और फिर ऐसे कर करके जल्दी जल्दी पेपर गुजरे। तो भाई डे 2 है और पेपर है फिजिक्स का। धूप आज बहुत ही, क्योंकि वैसे कम टाइम के अंदर सारे पेपर्स हो गए। पहले मैं सोच रहा था बहुत ज़्यादा जो है ना मसला हो जाएगा कि, लेकिन जब मेरी तैयारी हो गई थी तो फिर काफ़ी अच्छे आसानी से के साथ एक हफ्ते में मेरे पेपर्स वाइंड अप हो गए। और जो एक मेमोरेबल डे था ना, द लास्ट डे, मतलब द फाइनल डे, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मेमोरीज भी बनी, बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट हुई। मतलब हम लोग फुल प्रिपेयर्ड होके गए थे, यहाँ से स्पीकर्स भी लेके गए थे हम लोग यहाँ से कि वहाँ जाएंगे, और मतलब इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि अभी पेपर हुआ नहीं है, अभी पेपर रहता है, पेपर देना है अभी जाकर। लेकिन हम लोग वहाँ पहुँचे और जब वहाँ पहुँचे और हम लोगों ने जो स्पीकर स्टार्ट किया, मतलब सिर्फ एक्साइटमेंट का लेवल हम लोगों का ही हाई नहीं था, वहाँ जितने कॉलेजेस पेपर देने के लिए आए हुए थे ना, वो सब के स्टूडेंट्स का इतना ज़्यादा हाई हुआ हुआ था ना एक्साइटमेंट लेवल, के जैसे हम लोगों ने स्पीकर स्टार्ट किया वो सब डांस करने स्टार्ट हो गए हम सारे। तो बस फिर इन लोगों ने इन्जॉयमेंट की हम लोगों ने, उसके बाद फिर पेपर देने गए। पेपर से जब मैं वापस आया तो मुझे थोड़ी देर हो गई थी ना पेपर दे के आके, और जब मैं देखा तो ये लोग सब इन्जॉयमेंट कर रहे थे, डांस चल रहा था फुल लोड पे। हाँ तो भैया फाइनली फाइनली पेपर खत्म हो चुके हैं। हाँ तो यार उसके बाद फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि कुछ खाने पीने के लिए चले थे, और फिर खाने के लिए हम लोग गए KFC। हाँ तो भाई खापे वापे थे, अब फारिग हो चुके हैं और अब देखते हैं अब कैसी बनता है। उधर खाना वाना खाया और फिर उसके बाद जो मुझे नींद आई है फुल रिलैक्स हो गए, क्योंकि मुझे पता है नेक्स्ट 3 से 4 महीने मेरी छुट्टियाँ हैं। तो बस फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक आफ्टर एग्जाम्स पार्टी हो जाए, तो फिर उसके लिए हम लोग गए सुपर स्पेस। सारे दोस्त मेरे आ गए थे और फिर हम लोग सुपर स्पेस गए उधर से, और उधर जितना इन्जॉय कर सकते थे किया, और जितनी मेमोरीज बना सकते थे ना बनाई, क्योंकि बहुत मुश्किल होते हैं कि लास्ट जो आपके फ्रेंड्स होते हैं ना 9th मैट्रिक के, वो उसके बाद फिर बहुत कम मिलना होता है ना। तो बस फिर हम लोगों ने उधर काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया, और फिर उसके बाद हम लोगों ने एक और ट्रिप प्लान किया जिसके अंदर हम लोग गए इंटीरियर से, उसे बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया। हम लोग गए थे डंडवाला यार ना, उधर बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया। उसके बाद अब ऐसा होता है कि इंटीरियर के अंदर ना ट्यूबवेल टाइप बने हुए होते हैं,
मतलब स्विमिंग पूल टाइप बने हुए थे, और क्योंकि अब स्विमिंग तो हमें आप में से किसी को भी आती थी जो जो गए थे, तो बस फिर उधर जाके जो जो जैसे जैसे छलांगे मार सकता था पानी के अंदर मारी, और उधर भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया है ना। तो बस दिस वॉज माई लास्ट 30 days, और आई होप यू इन्जॉय दिस वीडियो। मुझे पता है बहुत ज़्यादा टाइम के बाद आई है, अब आई होप के मैं भी बना सकूँ और जल्दी जल्दी अपलोड कर सकूँ। तो बस आई होप यू लाइक दिस वीडियो, तो लाइक करो, कॉमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।